अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवल एजेंसी बनाने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए और ये किस तरीके से सारा काम करती है। ट्रैवल एजेंसी, किसी भी ट्रैवल एजेंसी में आप जाएं, आप टिकट बुक करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, होटल बुकिंग करवानी है, तो वो आपको कंप्यूटर में वो देख के बताते हैं कि इस टिकट की कितनी कॉस्ट होगी। अच्छा, वो जो सिस्टम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं GDS। GDS मीन्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टिकट निकालने के लिए, फेयर चेक करने के लिए आपको वो GDS पर अबूर हासिल करना होता है। अगर कोई ऐसे दोस्त जो ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस में दिलचस्पी रखते हैं और ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले वो GDS के ऊपर कमांड हासिल करनी होगी। उसके बाद आप मुतलका अथॉरिटी के पास जाते हैं, वहाँ से परमिशन लेते हैं। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ऑफ जो टूरिज़्म है उसका एक हिस्सा, जिसको बोलते हैं DTS, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज, वहाँ से इस लाइसेंस की मंजूरी होती है। और उसके लिए ये होता है कि आपको अपना जो आपने स्टाफ रखना है, अपनी क्वालिफिकेशन आपको बतानी होगी, और उसके अलावा जो आपकी ऑफिस की सेटिंग होगी उसका आपको बताना होगा कि जिस एक मैप या नक्शा टाइप होगा कि आपके ऑफिस की सेटिंग क्या होगी। उसके साथ आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, और रेंट एग्रीमेंट के अलावा आपको सिक्योरिटी भी जमा करानी होगी। ये सिक्योरिटी जो है तकरीबन 4 लाख 5 लाख के लगभग आपको सिक्योरिटी देनी होती है। अच्छा, सिक्योरिटी का एक तरीका कार तो ये है कि आपके पास मतलूबा रकम मौजूद है जो आपने बैंक में रखी और उसकी आपने गारंटी दे दी। अब वो जो गारंटी है, जब तक आपकी ट्रैवल एजेंसी चलती रहेगी उस वक्त तक आप उस गारंटी को यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक और तरीका कार है कि आप उस गारंटी की आधी अमाउंट, नियर अबाउट 1,80,000 रुपये, वो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो UIC, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, उनके थ्रू आपको गारंटी बनवानी होती है। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट लाहौर भेजते हैं या मुतलका किसी भी सूबे के जो सूबाई दफ्तर है DTS, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जो वहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है, उसका दूसरे सूबों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और आपकी ट्रैवल एजेंसी की मंजूरी हो जाएगी। अच्छा, ये तरीकाकार पेचीदा इस वजह से है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का काम करने को तो दिल करता नहीं है और रिश्वत के बगैर भी काम नहीं चलता, तो इस वजह से आपको जगह जगह पे मुश्किलें, परेशानियाँ, टेंशनें ज़रूर रहेंगी। लेकिन जब आपकी ट्रैवल एजेंसी मंजूर हो जाती है तो आप बाकायदा, तो अब ट्रैवल एजेंसी के भी दो लाइसेंस हैं। एक तो एक खाली आप टिकटिंग का काम करते हैं, और दूसरा ट्रैवल एजेंसी का जो काम है वो है टूरिज़्म पे। मिसाल के तौर पर आप उम्रे के पैकेजेस ऑफ़र करते हैं, टूरिज़्म के कुछ पैकेजेस ऑफ़र करते हैं, और तीसरी किस्म जिसको हमारे लोग ट्रैवल एजेंसी ही समझते हैं वो होती है रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो दूसरे मुल्कों में आपके लिए जॉब ढूंढते हैं और आपका वीज़ा प्रोटेक्टर करवाते हैं, वो होती है रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब उसका रिक्रूटमेंट एजेंसी का ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 10 लाख के लगभग वो लग जाता है और वो भी मंजूर हो जाती है। अच्छा, ये ट्रैवल एजेंसी का आपने GDS का सबसे पहले कोर्स किया, उसके बाद आपने लाइसेंस लिया, आपने दफ्तर बनाया और दफ्तर सेट करके आप बैठ जाते हैं। अब चूंकि आपने टिकट किसी ना किसी से ख़रीदनी है तो फिर अपने क्लाइंट को बेचनी है, तो उसका ये तरीकाकार होगा कि आपको किसी अयाटा एजेंसी के से एफिलेशन करनी होगी, और अयाटा एफिलेशन के बाद आप वो टिकट सेल कर सकते हैं।
अच्छा, कोई भी ऐसी एजेंसी याटा जिनसे आपने कनेक्शन लिया है, GDS लिया है और उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, अब जो याटा की एजेंसी है वो भी, उनकी भी अपनी डिमांड होगी। कुछ लोग, कुछ ट्रेवल एजेंसी ऐसी हैं याटा की कि वो आपको होलसेल जो सिस्टम है उसके लिए आपको एक अब चेक देना पड़ेगा। अब वो चेक 5 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी होगा, और वो ब्लैंक चेक होता है ये, और विदाउट डेट, ठीक है। वो आपने किस्म का उनको गारंटी के तौर पे देना है। अब पाकिस्तान में चूंकि जगह जगह फ्रॉड हो रहा है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं या पेमेंट नहीं करते, तो अब ट्रैवल एजेंसी वालों ने भी, जो याटा की ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने ये तरीका कर निकाला है कि अब आपको कैश देना होगा और वो आपकी पेमेंट अपने अकाउंट अपने पास जमा कर लेंगे, 5 लाख 10 लाख रुपया, और आप साथ साथ टिकटें बनाते रहते हैं, और उन टिकटों के जो पैसे हैं वो आप उनको बनाने के बाद, सेल करने के बाद वो पैसे आप उनको जमा कराने होंगे। लेकिन आपका जो 5 लाख है या 10 लाख है वो उनके पास आपकी गारंटी रहेगी, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आपको साथ साथ पेमेंट करनी होगी। तो ये एक मुख्तसर सा इसका तरीकाकार है ट्रेवल एजेंसी बनाने का, इसको चलाने का। अच्छा, इसमें याटा जो है, याटा वो भी मुख्तलिफ किस्म के कोर्स कराता है, लेकिन याटा के जो कोर्स हैं वो हाई प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। हाई प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको माइल्स बताते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपने माइल्स किस तरह कंट्रोल करने हैं, आपने फेयर किस तरह ब्रेक डाउन करना है, आपने कनेक्शन के साथ टिकट किस तरह बनाना है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी इस्लामाबाद से रोम फ्लाई करता है तो उसका जो टिकट है वो तो बहुत सिंपल बन जाएगा, यानी इस्लामाबाद से उसकी फ़्लाइट है दोहा, कतर और रोम आ गया, यहाँ से उसकी वापसी की ये रूट बनेगा, या इस्तांबुल से बनेगा, यानी इस्लामाबाद, इस्तांबुल और रोम। तीसरा रूट वो भी बन सकता है, दुबई का बन सकता है, इस्लामाबाद, दुबई, रोम और रोम से फिर वापसी। मुख्तलिफ किस्म के रूट हैं और ये टिकट बहुत बनाना आसान होता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक आदमी कहता है कि मैंने जनाब इस्लामाबाद से फ्लाई करना और दुबई स्टे करना है, दुबई के बाद मैं रोम जाऊंगा या स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, उसके बाद मैंने यूके जाना है, यूके से मैंने यूएसए जाना है, और यूएसए से फिर वापसी इसी रूट पे नहीं आना, बल्कि यूएसए से मैंने ब्राज़ील जाना है, और ब्राज़ील से साउथ अफ्रीका आना है, और साउथ अफ्रीका से फिर दुबई जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, और फिर पाकिस्तान आता है। इस तरह का जो टिकट बनाना होता है वो एक प्रोफेशनल आदमी का ही काम है, आधा आम आदमी से ये टिकट नहीं बनता, क्योंकि उसमें आपको माइल चेक करने होते हैं, आपने फेयर ब्रेक करना होता है, और उसके बाद वो एक टिकट नहीं बनती बल्कि मुख्तलिफ किस्म की टिकटें बनती हैं। अब वो जो प्रोफेशनल रिजर्वेशन करने वाला है उसको पता होता है कि मैंने कहाँ से फेयर ब्रेक करना है, और उस टिकट को कम से कम पैसों में बनाना है। और नॉन प्रोफेशनल अगर इसी टिकट को बनाएगा तो वो इतनी अमाउंट होगी कि ग्राहक सुन के पागल हो जाएगा कि भाई कि इतने पैसों का टिकट। तो ये इसमें प्रोफेशनलिज्म और नॉन प्रोफेशनलिज्म का यहाँ पे पता चलता है। लेकिन याटा वाले GDS पे इतना ज़ोर नहीं देते कि आप GDS पे प्रैक्टिस करें या GDS पे, वो थोड़ा सा हाई लेवल पे, याटा कोर्स हाई लेवल पे आ जाता है। लेकिन जो ऐसे लोग जो बुनियादी तौर पर ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले GDS पे कमांड करनी होगी। अच्छा, ट्रैवल एजेंसी बनाने के बाद उस पर आपने कोर्स भी कर लिया, ट्रैवल एजेंसी बना भी ली, ख़र्चा भी कर लिया, अब इसमें प्रॉफिट की रेशियो क्या है? तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, यानी इसमें कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो वो वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लोग कम से कम जो है अपना प्रॉफिट या मार्जिन रख के टिकट देते हैं, और इस वजह से ट्रैवल एजेंसी के जो प्रॉफिट है, अखराजात ज़्यादा होते हैं या प्रॉफिट कम होता है। और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत से जो एजेंट हैं वो पैसे वगैरह लेके भाग जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वो इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस नहीं रख पाते,
इस वजह से आखिरकार उनको भागना पड़ता है। तो मेरी जाती राय ये है कि अगर आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसको एक साइड बिज़नेस पे रखें। मिसाल के तौर पे यूरोप में क्या होता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो मनी एक्सचेंज का मनी ट्रांसफ़र का उन्होंने ऑफिस बना लिया, साथ उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का बना लिया, साथ उन्होंने मोबाइलों की दुकान खोल ली, तो दो तीन बिज़नेस इकट्ठे हो जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और उस ट्रैवल एजेंसी अगर आप उसको सपोर्टिंग बिज़नेस के तौर पे साथ रखेंगे तो वो आपके बिज़नेस के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपके क्लाइंट्स की जो आपकी ग्रिप है वो आपके क्लाइंट्स पे बहुत मजबूत रहेगी, कि लोग आपके साथ रबते में रहेंगे, आपके जो जो दूसरे बिज़नेस के पार्ट्स हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको कमी बेशी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि मेरी जो मालूमात हैं 100% एक्यूरेट नहीं हो, तो अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे इसमें रिकमेंड करके थोड़ी सी मेरी इसलाह भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।